टमाटर की महंगाई से अभी राहत मिली भी नहीं थी कि अब केले की बारी आ गई है। सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब केले की कीमतें 100 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची हैं। इतना ही नहीं बल्कि केले के साथ अब दूसरे फलों की कीमतों में भी भारी उछाल देखने की संभावना मिल सकती है। त्योहारी सीजन सिर पर है और ऐसे में केले की बढ़ती कीमतें सबके लिए चिंता का सबब बनी हुई है। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि आखिर केले की कीमतों के समीकरण बिगड़े कैसे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि देश में केले का उत्पादन खास तौर पर 7 राज्यों में होता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल है। इन 7 राज्यों को अगर मिला दिया जाए तो देश में केले के उत्पादन 75% तक हो जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर केले की महंगाई आई कहां से? तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु में डिमांड और सप्लाई के मिसमैच होने के चलते ऐसा हुआ है। बेंगलुरु कृषि उत्पाद बाजार समिति के मुताबिक केले की 2 किस्में इलाकी बेल और पचबाले की सबसे ज्यादा खपत होती है। लगभग 30 दिन पहले बिन्नीपेट बाजार में इलाकी बेल केला 1,500 क्विंटल आ रहा था, जो अब घटकर 1,000 क्विंटल तक सीमित हो गया है। बेंगलुरु AMPC के मुताबिक शहर का सप्लाई नेटवर्क तुमकुरु, रामानगर, चिक्काबल्लापुरा, अनेकल और बेंगलुरु ग्रामीण तक फैला हुआ है। हाल ही के दिनों में मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन में उतार चढ़ाव के चलते कीमतों में बदलाव देखा गया है। एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई के चलते इलाकी बेल केले की थोक कीमतें मौजूदा वक्त में 78 रुपए प्रति किलोग्राम है, वहीं पचबले के लिए 18 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग खर्चों को ध्यान में रखते हुए खुदरा कीमतें 100 रुपए और 40 रुपए तक बढ़ गई हैं, यानी कि एक दर्जन का आंकड़ा अब 100 रुपए के पार निकल चुका है। जैसे जैसे नवरात्रे, ओणम, गणेश चतुर्थी नजदीक आ रही है, केले की मांग और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कीमतों में उछाल और भी बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। त्योहारों के चलते बढ़ती मांग उत्पादन से ज्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ चुनौती स्टॉक को फिर से भरने की भी है। कुछ दिनों में केले की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की आशंका है, वहीं दूसरी ओर बिचौलियों के चलते किसानों को बड़ी कीमतों का फायदा भी नहीं मिल रहा है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।